नगर एक्सटेंशन में रहने वाली शिवानी पटेरिया की मौत का खुलासा हो चुका है। उसकी हत्या बैंक अफसर आरोपित अमितेश पटेरिया ने तकिए से मुंह दबा कर की। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने एक महीने पहले प्लानिंग की और फिर राजस्थान से कोबरा लाकर पत्नी के पास रखा ताकि बता सके कि सांप काटने से मौत हुई है। पुलिस और परिजन को गुमराह करने के लिए वह रविवार को पत्नी का शव और एक मरा हुआ कोबरा लेकर MYH पहुंचा था। पुलिस ने अमितेश को दो दिन से हिरासत में ले रखा था। मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है। अमितेश ने अपना गुनाह कबूल किया है। बताया कि पत्नी की हत्या के लिए वह कई दिनों से प्लानिंग कर रहा था। इसी बीच उसने पत्नी की सांप से कटवा कर हत्या करवाने की योजना बनाई। वह राजस्थान के अलवर इलाके से कोबरा सांप लाया था ताकि पुलिस और परिजन गुमराह हो जाए। उसने रविवार को प्लानिंग के तहत अपने पिता और बच्चों को घूमने के लिए बाहर भेज दिया, फिर सो रही पत्नी का तकिए से मुंह दबाकर मार डाला ताकि गला घोटने की बात सामने नहीं आए। उसके बाद मरा हुआ सांप पास में रख दिया, हाथ पर काटने जैसे निशान बनाए जिससे पुलिस उस पर यकीन कर ले। उधर एक और बात पता चली है कि आरोपी ने पहले पत्नी का मुंह तकिए से दबाया, फिर सांप के चिमटे से मुंह पकड़ कर पत्नी के हाथ पर कटवा दिया। शिवानी की हत्या में अमितेश पटेरिया की बहन की भी शामिल होने की बात सामने आई है। संचार नगर कॉलोनी स्थित जो मृतिका शिवानी है उसके PM कराया गया था। उसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जो जहर काटने से उसकी मृत्यु बताई जा रही है, सांप के काटने से मृत्यु बताई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं पति का हाथ है। इसमें हम लोगों ने बारीकी से PM कराया और जांच और पड़ताल की गई। उसमें बात सामने आई कि शिवानी का पति अमितेश, उसकी ननद और ससुर ने मिलकर एक षड्यंत्र अंजाम दिया है। षड्यंत्र के तहत जो पति है अमितेश है उसके द्वारा एक सांप अलवर से कुछ 11 महीने पहले खरीद कर अलमारी में रखा गया था और अपनी पति को मारने की नीयत से उसकी हत्या को सांप काटने की नीयत से पूरा घटनाक्रम उसके द्वारा बनाया गया। इस घटनाक्रम में उसके द्वारा पत्नी का पहले मुंह दबाया गया और मृत्यु हो जाने के पश्चात कोबरा सांप है उसको मारकर उसके दांत चुभाए गए। तो जो PM की रिपोर्ट में जो मुंह दबाने से मृत्यु होना पाया गया, उसके अलावा वहाँ पर सांप भी मिला है। सांप के बारे में पड़ताल करने पर ये जानकारी है कि सांप को अलवर से किसी सपेरे से 5000 रुपये से 11 दिन पहले दिल्ली से होते हुए ख़रीदा था, जहाँ पर आरोपी बैंक में एक्सिस बैंक में काम करता था और नौकरी छोड़ने के बाद वह आ गया था। प्रारंभिक तौर पर पूरे मामले के पीछे जो है प्रेम संबंध और पति पत्नियों के बीच रिश्ते में अनबन या जो पति के पत्नी से नफरत करने का मामला समझ में आ रहा है। इसमें तीनों आरोपी गण जो मृतिका के पति, ससुर और ननद तीनों को प्रथम दृष्टया षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सर इनके वो बच्चे थे वो कहाँ के रहने वाले थे? अभी इनके 9 और 11 साल के बेटा बेटी हैं जो अभी इनके साथ है और जो कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है और परिजनों के द्वारा इसके संबंध में भी शिकायत की गई है।